हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय पंचायत भवन में करीब 13 करोड़ 26 लाख रुपए के 12 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते उन्होंने आज शिवरात्रि के अवसर पर करनाल में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसके चलते महाशिवरात्रि पर्व की शोभा यात्रा में पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बार का बजट कल्याणकारी साबित होगा, जिसमें हर वर्ग को राहत मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने किसान बीमा योजना के बारे में भी पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई प्रेस वार्ता की एक खास रिपोर्ट। मैं आपका विधायक आपके बीच इसलिए उस भूमिका में तो यहाँ आना होता ही है। आज करनाल जिले के कुछ शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हैं, वो भी मैंने अभी किए हैं। इससे पूर्व विवेकानंद स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम था, बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा और उसमें मैं आया हूँ। अभी नीलोखेड़ी में वहाँ पर एक लवकुश छात्रावास लवकुश भवन करके उस कार्यक्रम में मुझे जाना है। आपको बजट जा रहे हैं पहली बार, आप तो क्या रहेगा? देखिए पहली बार किसी मुख्यमंत्री को हरियाणा के इतिहास में ये बजट के पेश करने का मौका मिल रहा है और इस बार पिछले लगभग एक महीने से जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको बजट प्रभावित करता है, ऐसे सब लोगों से विचार विमर्श किया है। कई बैठकें हो चुकी हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, सर्विसेज के लोग हैं, एग्रीकल्चर के लोग हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं और महिलाओं की अलग से मीटिंग करके उनसे हमने बातचीत की। स्थानीय निकाय के नाम से शहरीय स्थानीय निकाय अलग, ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय अलग, उनसे बातचीत हुई, सांसदों से बातचीत की और विधायकों से भी लगातार 3 दिन हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। और इसमें मुझे खुशी है कि जितने विधायकों ने सुझाव दिए हैं, जो अपेक्षाएं की हैं, वो पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके सब लोगों ने हरियाणा के लोगों की, हरियाणा की जनता के हित में अच्छे सुझाव दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने सुझाव आए हैं, जो लिमिटेशन होती है बजट की, क्योंकि हमको मालूम है आय और खर्च इसको बराबर ही रखना होता है, प्राथमिकताएं सुझाव के हिसाब से बदली जा सकती हैं, तो हम कोशिश करेंगे अधिकांश बातों को इसमें समाहित करते हुए और एक बजट पेश करेंगे। इस बजट को मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में जनता का ये बजट होगा, जनता के अधिकांश लोगों को इसमें सीएम सर आज कल परसों FIR दर्ज हुई और 2 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं। करनाल में 44 लाख का घोटाला सामने आया है पुलिस विभाग के अंदर अकाउंट्स ब्रांच में, 4 लोग लाइन हाजिर भी कर दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे सीएम सिटी में इस तरह? आपने जो कह दिया इसके बाद मेरे पास कहने लायक कुछ नहीं है कि कोई बात गड़बड़ होती है तो हम कितना उस पर एक्शन लेते हैं, यानी बचाते किसी को नहीं है, चाहे पुलिस वाले ही हों। 2013 से चल रहा था सर, मैंने बताया हम बचाते किसी को नहीं है, जो आपने बताया उसी को ठीक मान करके मैं ये कहता हूँ कि यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा, दोषी हमेशा दंडित होगा, कोई भी बड़े से बड़ा। सर आपको लगता है कि मजबूत कार्रवाई करने की जरूरत है पूरे हरियाणा के अंदर? ये जो कार्रवाई है तो मजबूत ही हो रही है, ये इसमें कोई कमी नहीं। सर पानी पर सेल टैक्स जो विभाग से पीड़ित एक जो वेजिटेबल वाला जिसका मात्र 500 रुपए दिहाड़ी है सर, उसका 50 करोड़ रुपए की टर्नओवर दिखाई गई है, वो इतने दुखिया साइड करने के लिए सर तैयार बैठे। 50 करोड़ में पानीपत में GST के विषय को लेकर के कई लोगों ने बोगस फर्में बनाई थी और उन बोगस फर्मों में काफी लोग पकड़े गए हैं। इस प्रकार का कोई भी नया केस आएगा, किसी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति को हम कहीं भी तकलीफ नहीं देंगे। एक इस प्रकार का केस करनाल में भी एक रामनगर की महिला के साथ आया था, आज मान लो ये पानीपत का भी ऐसा केस आया है, इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और जिसने भी फर्जी उनके नाम का दुरुपयोग किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर इंश्योरेंस कंपनीज का ये फसल बीमा योजना का, सर फसल बीमा योजना को ऑप्शनल किया जा रहा है, क्या हरियाणा में भी इसको ऑप्शनल किया जाएगा? ये केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने उस पॉलिसी में जो परिवर्तन करने की बात कही है वो सारे देश थाउजेंड फार्मर अभी भी मतलब
देश में लागू होगी और इसके लागू होने के बाद नई व्यवस्था प्रदेश क्या बना सकता है इस पर प्रीवियस रहते हैं सर, जिनके काफी दिनों से मतलब दो दो साल से जो कंपनियां इसमें दोषी होंगी, डिपार्टमेंट ये हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके साथ बैठ करके बात करके जिनका नुकसान हुआ है और जिन्होंने अपने प्रीमियम दे रखे हैं, क्योंकि वो प्रीमियम केवल किसान नहीं देता, प्रीमियम उसमें सरकार का भी जाता है, केंद्र सरकार का भी जाता है, प्रदेश सरकार का भी जाता है, इसलिए उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की करेंगे। पहले भी एक बार दो जिलों का झगड़ा हुआ था, भिवानी का और सिरसा का, पूरे पैसे कंपनियों से दिलवाए गए थे, अभी भी अगर इस प्रकार का कोई बकाया है तो कंपनियों से पूरे दिलाएंगे। सर हरियाणा प्रदेश JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.